गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप भी कुछ अच्छा सा, सस्ता सा, खस्ता सा स्नैक्स खोज रहे हैं तो आप सही वीडियो पे आए हैं। तो आज जो है रेसिपी वो है मावा गुजिया की। तो आप किसी भी फेस्टिवल टाइम पे इसे बना सकते हैं। जनरली हमारे यहाँ ये दिवाली और होली पे बनती है, बट आप इसे किसी भी सीज़न में ट्राई कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी है ये हमारी मावा गुजिया। सो चलिए देखते हैं आगे की रेसिपी कैसे किस तरह से बनाएं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। सो इसके लिए आप ले लीजिए मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर, उसमें कस कर कर अजवाइन डाल दीजिए, सिसमे सीड्स डाल दीजिए ब्लैक वाले, और साथ ही साथ इसमें सॉल्ट डालकर इसमें हम मेल्टेड वेजिटेबल घी डाल देंगे। और घी थोड़ा सा गर्म है और जनरली से गर्म गर्म ही डाला जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। और इसे चम्मच की सहायता से आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे आप हाथ से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। और मिक्स करने के बाद आप जब देखेंगे कि इसमें एक बाइंडिंग कंसिस्टेंसी आ गई है तभी आप इसमें पानी ऐड करें। तो अभी ये देखिए बाइंड होने लगा है। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं धीरे धीरे पानी और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर इसे 20 से 30 मिनट के लिए हम रेस्टिंग पीरियड में रख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिलिंग। तो यहाँ हम सूजी है उसको हम रोस्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम रोस्ट करेंगे, जब इसमें हल्की हल्की सी स्मेल आने लगे तो हम अपनी गैस को स्विच ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए इस तरह से रख देंगे। घर में पड़े हुए थे कुछ हमारे मावा के पेड़े जो जनरली हमारे यहाँ किसी न किसी पूजा के लिए आते, तो हमने उसे क्रश कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद उसे इस तरह से मेल्ट करना स्टार्ट कर लेंगे। मावा में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घी होता है, तो अभी आप जैसे जैसे ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा वैसे वैसे इसमें से घी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उस घी को अलग से सेपरेट कर देंगे क्योंकि अगर घी रहेगा तो फिर हम इसे जब फिलिंग को ऐड करेंगे तो वो हमारा जो है मैदा की जो हमारी पपड़ी बनाएंगे हम आउटर कवरिंग वो उसके साथ स्टिक कर जाएगी। तो जब ये मेल्ट हो जाए तो हम उसे एक सेपरेट करेंगे उससे घी से। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह से इसे सेपरेट करते हैं। ये देखिए मावा जो है पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है और ये घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो हम अभी गैस को कर देंगे स्विच ऑफ और इस तरह से इसको हम किनारे पे स्टिक करके और इस थोड़ा सा टिल्ट कर कर रख देंगे ताकि इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो ड्रेन आउट हो जाए और हम खाली मावा को ही लें। ये देखिए एक्स्ट्रा घी जो है वो निकल चुका है और हम इसी घी पे जो है थोड़े से अपने ड्राई फ्रूट जो है वो रोस्टेड कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बादाम है, किशमिश है, आप और भी अगर काजू डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और ये जो हमारा मावा था उसको हम निकाल कर अपने जो रोस्टेड हमारी सूजी थी, रवा थी, उसके साथ हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इस पूरी फिलिंग को लेकर हम अपने ड्राई फ्रूट्स में डालकर उसे एक बार और अच्छी तरह से धीमी आँच में सेक लेंगे। तो यहाँ हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ अपना फिलिंग डाल दिया है और अच्छी तरह से उसको सेक लिया है और ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैदा जो है वो सेट हो चुका है अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। और चलिए इसकी छोटी छोटी से हम बॉल्स बना के एक छोटी छोटी से हम इस तरह से चपाती बना लेंगे। थोड़ा उसकी थिकनेस होनी चाहिए क्योंकि अभी हमें इसके अंदर फिलिंग भरनी है, फिर इसे फ्राई भी करना है। तो आप उस हिसाब से इसकी थिकनेस रखें और इसके बाद साइज़ भी आपका साँचा जितना बड़ा हो उसके हिसाब से आप उसका साइज़ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलिंग। तो यहाँ हमने ले लिया एक साँचा। ये साँचा आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल भी है और आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और आप एक नाप बना लीजिए कि एक स्पून भरकर आपको उसको डालना है। तो स्पून हर टाइम आप एक ही स्पून यूज़ करें ताकि आपकी गुजिया जो है एक साइज़ की और एक सी फिलिंग की बने। तो यह हमने ऐड कर दिया है। उसके चारों तरफ जो है हम पानी की जो लेयर है वो लगा देंगे ताकि वो एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाए। और इसके बाद हम इस साँचे की दूसरी तरफ डालकर उसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे इस तरह से, और जो कटेंगे वो हम उसे निकाल लेंगे।
संभाल के निकालेंगे और कोंटे जो है उसके अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे ताकि वो फिलिंग जो है तलते समय जब हम उसे फ्राई करें तो बाहर ना। तो देखिए इस तरह से आपकी सारी गुझियाँ जो है वो बन जाएंगी, आप देख रहे हो इस तरह से। तो अभी आप देख रहे हैं कि वो ज़्यादा भरी हुई नहीं है, वो हल्की सी खाली है। जिस तरह से आप अपनी सारी गुझियाँ बना लें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसी के साथ अपनी फ्राइंग। ऑयल के अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही आप गुजिया को ऑयल में डालें और इस तरह से आप एक मिनट बाद आँच को जो है वो धीमा कर दीजिए और धीमी आँच में ही आप अपनी गुजिया को कम से कम 2 से 3 मिनट तक के फ्राई करें दोनों तरफ से। तो देखिए गुजिया एक तरफ फ्राई हो चुकी है, हम इसे इस तरह से पलट देंगे। पलटने में आप देख रहे हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया हुआ है, तो इसी तरह से गोल्डन ब्राउन होने पर ही आप इसे बाहर निकाल लें। तो इसे आप एयर टाइट डब्बे में बंद कर आप इसे 15 से 20 दिन तक के यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कम बैक विथ माई नेक्स्ट रेसिपी। थैंक यू।